हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि DDC पैनल क्या होता है और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा रहता है। मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि DDC क्या होता है। तो DDC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। तो डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या होता है। डिजिटल कंट्रोल करता है, यानी ऑटोमेशन जो सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है। जैसे बिल्डिंग हो गया, मॉल वगैरह हो गया, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, या बहुत से इक्विपमेंट जिसमें जो HVAC का है, इलेक्ट्रिकल का है, जिसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे HVAC में आप लोगों को पता है कि HU हो गया, FCU हो गया, वेरिएबल यूनिट हो गया, DX यूनिट हो गया, या बहुत से जो, या चिलर वगैरह हो गया, या बहुत से VFD वगैरह हो गया। तो जितना भी इक्विपमेंट लगा रहता है जो बिल्डिंग में, उसको क्या डिजिटली कंट्रोल करने के लिए, यानी इसके द्वारा, इससे जो DDC होता है, इसके हेल्प से क्या किया जाता है कि इसको हम लोग जितना भी इक्विपमेंट होता है उसका फायर स्टेटस हो गया, उससे जितना भी यूनिट होता है, HU हो गया, FCU हो गया, उसका स्टेटस और कंट्रोल हम लोग करते हैं किसी सिस्टम के द्वारा। BMS वगैरह जो है, SCADA है, उसके द्वारा हम लोग पूरा इसका स्टेटस और कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यानी कि जो है पूरा बिल्डिंग में बहुत से कंट्रोलर और ये DDC पैनल लगा करके हम लोग इसके द्वारा BMS या SCADA से एक जगह से हम लोग पूरा बिल्डिंग का जितना भी इक्विपमेंट लगा है उससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मोनिटर कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि हम लोग जितना भी जो बिल्डिंग होता है उसमें जो भी इक्विपमेंट है, जहाँ भी है, उसका पूरा हम लोग पैरामीटर देख सकते हैं इसमें, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको ऑपरेट और जितना भी सिस्टम होता है उसका जो स्टेटस होता है पूरा हम लोग इसे देख सकते हैं। तो ये DDC पैनल ही लगा रहता है जिससे हम लोग को एक जगह जो डिजिटल डाटा जो होता है वो हम लोग को मिलता है। हम लोग पूरा उसको जितना भी हम लोग अपने हिसाब से उसको जो ऑन ऑफ कर सकते हैं बिल्डिंग से, या ऑटोमेशन सिस्टम में इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो होता है इक्विपमेंट टाइमिंग वगैरह के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग होता है उसके हिसाब से ऑन ऑफ होता है, और जो भी स्टेटस होता है वो BMS में भी दिखाता है और फील्ड में जो इक्विपमेंट है उसमें। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग में, BMS सिस्टम में खासकर ये ज़्यादा होता है, जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से बिल्डिंग का जो भी इक्विपमेंट है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो मेन जो इक्विपमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये 240 वोल्ट इसमें इनपुट आ रहा है, और 240 वोल्ट जो है इनपुट है और आउटपुट 24 वोल्ट है। तो ये जो इनपुट इसका आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि हम लोग मेन जो सिंगल फेज लाइन है उससे इनपुट लेके इसको आउटपुट यहाँ से निकाल रहा है कितना, 24। तो 24 जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये जो नीचे जो है, ये जितना भी है टर्मिनल इसमें गया हुआ है। तो जो हमारा HU हो गया, FFD पैनल हो गया, जो कंट्रोलिंग के लिए इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, अब जो HU है उसमें जो हमारा फील्ड में इक्विपमेंट, जैसे एक्चुएटर हो गया, डैम्पर हो गया, या जो गेज वगैरह हो गया, या जो भी इक्विपमेंट है जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है उसके लिए यहाँ से पावर जाता है। तो इसके लिए ये जो है ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर ये जो है कंट्रोलर है, तो यही जो कंट्रोलर है इसका मेन यही काम होता है, ये जो है कंट्रोलर यही मेन काम करता है। तो इक्विपमेंट लगा रहता है, उसका जो डेटा रहता है ये जो है यही कंट्रोल करता है, यही जो है पूरा दिखाता है, इसका जितना भी प्रोसेस होता है इसी में होता है, इसी कंट्रोलर में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है डिजिटल इनपुट का है, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं एनालॉग जो है ये इनपुट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है डिजिटल आउटपुट है, और ये जो है सप्लाई के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेन कंट्रोलर है इसमें 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट चाहिए तो इसके लिए ये, और डिजिटल आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है डिजिटल आउटपुट गया हुआ है इनपुट यहाँ पे। तो ये जो है अलग अलग आप लोग देख सकते हैं, ये अलग अलग HU के लिए आप लोग देख सकते हैं, HU जो है यहाँ पे एक HU है इसके लिए लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप एयर यूनिट है इसके लिए लगा हुआ है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये मास्टर कंट्रोलर होता है, ये जो है दोनों एक साथ में रहेगा, ये और ये दोनों जो है एक साथ में कनेक्टेड रहेगा। तो ये मास्टर कंट्रोलर है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर है, और उसके जो है आप लोग देख सकते हैं TV है, जो ये जो जितना भी आउटपुट गया हुआ है, इनपुट जो गया है, ये जो कंट्रोलर से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले जो पावर आता है इसमें जो है सिंगल फेज का MCB है, तो ये सिंगल फेज का जो है 220 वोल्टेज का MCB है, और ये न्यूट्रल है और ग्राउंड है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं आके यहाँ पे आकर के MCB से यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग देख सकते हैं टर्मिनल बॉक्स में यहाँ से आ रहा है ये फ्यूज में, और फ्यूज से आप लोग देख सकते हैं एक न्यूट्रल का और एक फेज का फ्यूज है। तो ये तीन ट्रांसफार्मर के लिए 6 फ्यूज लगा है न्यूट्रल फेज के साथ, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर से जो है आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, ये जो आके ये जो जितना भी ये जो है नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है फील्ड में जितना भी इक्विपमेंट है, जहाँ पे 24 वोल्ट चाहिए आप लोग देख सकते हैं पूरा पे 24 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 24 वोल्ट का सप्लाई जो जो इक्विपमेंट को चाहिए यहाँ से गया हुआ है।
और यहाँ पे ये जो है इक्विपमेंट है और कंट्रोलर का जितना भी टीवी वगैरह है यहाँ पे कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है जितना भी है, ये रिले है आप लोग देख सकते हैं। तो VFD है उसको ऑन ऑफ और ऑटो मैनुअल स्टॉप ऑन करने के लिए और स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग रिले लगा हुआ है अलग अलग VFD के लिए। तो बस यही जो है इक्विपमेंट इसमें रहता है, यह आउटपुट है जो BMS से कनेक्टेड है। तो जितना भी मास्टर कंट्रोलर है आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी ये जो है BMS से कनेक्टेड है। और ये जो है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी BMS से कनेक्टेड है। तो ये चुका DDC है। तो ये जो है मेन जो है कंट्रोलर है DDC का मास्टर कंट्रोलर। और यहाँ पे देख सकते हैं वो जो तीनों केवल है आप लोग देख सकते हैं ये BMS का केवल है। यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है जाएगा बैकनेट में कनेक्ट होगा और बैकनेट से BMS सिस्टम में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट भी आप लोग को पता चल गया होगा। तो इसका जो कनेक्शन है कैसे होता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग को पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसका जो ये कनेक्शन है कैसे, कौन सा कनेक्शन कहाँ पे होता है, लॉक का कनेक्शन कहाँ होता है, डिजिटल का कनेक्शन कहाँ होता है। नहीं तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा। तो अगर आप लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।